हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो गाइस। अब मैंने यहाँ पे आपको टाइटल दिया था रेडमी 11X पैटर्न अनलॉक। गाइस आप बोलोगे यार रेडमी 11X तो है नहीं, इसका हमारा पैटर्न अनलॉक कैसे होगा? गाइस आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले मैं आपको यही कन्फर्म करा दूँ, आपका कोई सा भी अगर रेडमी का फोन है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। रेडमी के सभी फोनों का पैटर्न आ जाए जो बिल्कुल सेम तरीके से होता है, और रेडमी के सभी फोन का यहाँ पर बटनों से पैटर्न अनलॉक हो जाता है। और गाइस एक बात और बता दूँ, रेडमी के जितने भी फोन होते हैं उनमें अगर आपके में MI अकाउंट लगा हुआ तो गाइस आपके फोन में MI अकाउंट का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, आपको सर्विस सेंटर जाके ही कराना पड़ेगा, वरना गाइस आपको बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। MI अकाउंट आप समझ रहे होगा, हम सेटिंग से हम MI अकाउंट बनाते हैं, और गाइस आपके फोन में यहाँ पे MI अकाउंट भी बना हुआ तो ये रिसेट होने के बाद आपके फोन में MI अकाउंट मांगेगा, वरना गाइस अगर आपको MI अकाउंट नहीं पता तो आपके फोन में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है, आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है। और गाइस अगर आपके फोन में FRP हो तो वह सिंपल वहाँ से बाईपास कर सकते हो। तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हो, बाकी बात गाइस आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, ना ही आपको कोई दिमाग चलाना कि हमारा सेम मॉडल नहीं है तो हमारा पैटर्न लॉक होगा ही नहीं होगा, 100% का पैटर्न लॉक हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन को पावर ऑफ कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर फोन को पावर ऑफ किया, अब गाइस यहाँ पे मुझे कुछ की प्रेस करनी पड़ेगी, उसके बाद गाइस मेरा फोन यहाँ पर कुछ न्यू इंटरफेस लेके आएगा। और गाइस वहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे अपने फोन का यहाँ पे पैटर्न लॉक कर सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना, वॉल्यूम अप और पावर की एक साथ प्रेस करनी है, चाहे आपके वॉल्यूम डाउन और अप की इस लेफ्ट हैंड पहुंचे राइट हैंड पहुंचे, अब उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम अप और पावर की एक साथ प्रेस करनी है। अब गाइस जैसे हमें प्रेस करोगे तो आपका फोन पावर ऑन होगा, जस्ट गाइस आपको क्या करना अपना पावर की छोड़ देनी है। अब गाइस यहाँ पे आपका फोन एक रुके अपने मोड का एक ऑप्शन लेके आएगा, अब वहाँ से गाइस हम इसका पैटर्न लॉक करके दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पे इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस गाइस आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा होगा वाइप डाटा, और अगर आप इससे अपना डेटा केबल से यहाँ पे MI टूल से इसे अगर अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे वाले पे लेकर आना पड़ेगा यहाँ पे कनेक्ट द विथ MI असिस्टेंट वगैरह, और उसके बाद अगर डायरेक्टली आप इसे किसी भी लैपटॉप से करना नहीं चाहते तो यहाँ पे वाइप डाटा पर क्लिक करना है पावर की से। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको वाइप ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। अब गाइस जैसे मैं पावर की से एक बार प्रेस करूँगा, अब मेरा फोन यहाँ पे वो भी इंटरफेस लेके आ जाएगा। गाइस आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपके पास कौन सा मॉडल है मैंने आपको पहले बता दिया, आपका फोन का पैटर्न लॉक 100% बाईपास हो जाएगा। अब नीचे वॉल्यूम डाउन किसे लेके आना, पावर किसे फिर से कंफर्म कर देना। अब गाइस जैसे आप इसे कंफर्म करोगे ना तो आपका फोन यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा, और आपके फोन में जितने भी फोटो वगैरह वीडियोस वगैरह होंगी, और गाइस आपके जितने भी सीक्रेट कोई पास या भी आपने कुछ इसमें रखा होगा, चाहे आपके सॉन्ग्स वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे और आपका फोन एकदम फॉर्मेट होकर कंप्लीट न्यू के कंडीशन में आ जाएगा। अब आप उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कहना, पावर किसे इसे ओके कर देना है, और गाइस आपका फोन यहाँ पर रिबूट मांगे, आपको रिबूट दे देना है। रिबूट देने के बाद यहाँ पर रिबूट सिस्टम पर क्लिक कर देना, उसके बाद गाइस आपका फोन कंप्लीट रिबूट हो जाएगा। और गाइस आपका फोन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मैं आपको पहले यहाँ पर कंफर्म करा देता हूँ। गाइस आपका फोन लगभग 5 मिनट ले सकता है, 6 मिनट ले सकता है, 3 मिनट ले सकता है। अगर आपने फोन ये लगभग लेने के बाद 2 या 3 या 4 महीने के बाद यहाँ पे अपना रिसेट किया तो गाइस आपके फोन में थोड़ा सा 5 या 6 मिनट लग सकती है। और गाइस आपने अगर आप कल परसों ही फोन परचेस किया और आपके फोन में आज कल में पैटर्न लग गया और आपने फोन अपना फॉर्मेट इस तरह से किया है तो आपको फोन ज़्यादा नहीं ज़्यादा 2 मिनट में ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपके फोन में इसमें गाइस ज़्यादा कचरा नहीं होगा, नहीं आपको कोई वीडियो फोटोज होंगे तो वो फॉर्मेट करने में से टाइम नहीं लगेगा। अगर गाइस आपका फोन ज़्यादा ही भर चुका है तो उसके बाद आपके फोन में थोड़ा टाइम लग सकता है, फॉर्मेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपका फोन यहाँ से कंप्लीट ओपन हो जाएगा। इस तरह का यहाँ पे आपके सामने मोड आ जाएगा, अगर आपके फोन में हो सकता है MI UI 11 यहाँ पे मेरे में आया हुआ, आपके में 12 हो, तो क्योंकि अगर मेरे पास तो रियलमी 11X नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे 12 भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इसमें अपडेट दे दिया हो तो वो यहाँ पे आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पे क्लिक करते जाना और आपका पैटर्न यहाँ से बाईपास हो जाएगा। और गाइस अगर आपका पैटर्न अनलॉक नहीं होता है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि भाई हमारा पैटर्न अनलॉक नहीं हुआ, तो गाइस मैं आपके जीमेल आईडी पे या किसी आपके चाहे वहाँ पे कमेंट में आपको रीअप्लाई कर दूंगा गाइस, जिससे गाइस आपके यहाँ पे प्रॉब्लम बाईपास हो जाएगी। और मैं 99% सभी जितनी भी कमेंट होती है ना गाइस मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, किसी भी बंदे का यहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं छोड़ता हूँ। तो जो ऐसे नहीं गाइस आप जो आपका मन करा वो आपने कमेंट कर दिया उसका रिप्लाई मैं नहीं करूँगा, मुझे लगेगा कि हाँ इस बंदे ने मुझे कुछ अच्छी आपको पूछा है मुझे और ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसका मैं यहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहुत सारे बंदे तो ऐसे अजीब करीब कमेंट करते हैं जिससे मुझे खुद समझ नहीं आता ये बंदा पूछना क्या चाह रहा है, तो जो भी कमेंट करें यार साफ सुथरी कमेंट करें, और गाइस उसका जो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, जैसे आपने आज कमेंट किया तो हो सकता है मैं आपको तुरंत रिप्लाई ना दूं, तो हो सकता है मैं आपको मॉर्निंग के टाइम रिप्लाई दूँ। ज़्यादातर गाइस मैं सभी बंदों को मैं यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मेरी एक शॉप है तो बस मुझे यहाँ पे सुबह के बाद मुझे अपनी शॉप पे जाना पड़ता है, उसके बाद गाइस शाम को आता हूँ, जैसे मुझे वीडियो शूट करनी पड़ती है आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, उसके लिए गाइस सॉरी यार, जो भी आपका जो भी सवाल जवाब उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा बट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब गाइस यहाँ पे मेरा फोन ऐसे कंप्लीट खुलने वाला है, उसके बाद गाइस मेरे फोन में जो भी पैटर्न वगैरह था अब वो यहाँ पे कंप्लीट रिमूव हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे मैं कोई सा भी सेटअप ले लेता हूँ। और गैस मेरे जो वॉइस है यार थोड़ी सी यहाँ पे अच्छे से नहीं रही, उसके यार सॉरी यार, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी यार सर्दी से हो चुकी है। आप लोगों को पता है मौसम थोड़ा चेंज हो रहा था, मुझे थोड़ी सर्दी हो चुकी है, हो सकता है कि आपको भी होगी, तो थोड़ा अपना ख्याल रखना। तो उसके बाद सेटअप कंप्लीट मैं क्लिक कर देता हूँ। अब गैस मेरा सेटअप कंप्लीट जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरा फोन थोड़ा सा लोड होने लगेगा आपका, हो सकता है फोन 2 मिनट लोड लेंगे, 1 मिनट लोडिंग ले, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। मेरे फोन ने कम से कम यहाँ पे 1.25 मिनट लोडिंग ली थी, बट मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा स्किप कर दिया था, इसलिए गैस यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो गया, वरना गैस आपके फोन में यहाँ पर 1 मिनट लोडिंग ले सकता। उसके बाद आपका फोन कंप्लीट ओपन हो जाएगा। तो बस उम्मीद करूँ वीडियो पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस कर देना गैस। तुम्हारा भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बंदे मातरम, लव यू।